ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज स्वामी जी द्वारा जाने कैसे की जाती है बटुक भैरव जी की साधना, कैसे कर सकते हैं आप उन्हें प्रसन्न। बटुक भैरव जी तुरंत ही प्रसन्न होने वाले दुर्गा के पुत्र हैं। बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक बाधाओं को दूर कर सांसारिक लाभ उठा सकता है। देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण ही आप कालराज हैं। भीषण होने से आप भैरव हैं, मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है, अतः आप काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने से आप सक्षम हैं, इसलिए आपको अमरदक कहा गया है। आप समर्थ हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। अब स्वामी जी द्वारा जानते हैं भगवान बटुक भैरव जी की साधना की विधि एवं मंत्र। इस साधना को किसी भी बटुक भैरव दिवस या रविवार को शुरू किया जा सकता है। मित्रों, इस साधना के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जो भी साधक इस विधि को कर रहा है वो इस दौरान मांस मदिरा शारीरिक संबंध एवं बिना किसी विघ्न बाधा के इस विधि को पूर्ण करे। भैरव देव रात्रि के देवता हैं, इसलिए इनकी साधना रात्रि में की जाती है 12 बजे से 3 बजे तक। साधक स्नान करके गहरे रंग के वस्त्र पहने और फिर इस साधना पर बैठे। दक्षिण के देवता भैरव जी की साधना भी दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके ही की जाती है। इस साधना में काली हकीक की माला का इस्तेमाल करने से अधिक महत्व होता है। सबसे पहले दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं और लाल कपड़ा अपने समक्ष जमीन पर बिछाएं। जिस प्रकार से हर कार्य से पहले अपने गुरु की इजाजत जरूरी है, उसी प्रकार पहले अपने इष्ट देवता की मूर्ति को लाल कपड़े पर स्थापित करें और उनसे आज्ञा मांगे। अब उनके साथ में बटुक भैरव जी की तस्वीर या मूर्ति को रखें। अब सरसों के तेल का दीपक जगाएं और गूगल की धूप जलाएं और गंध पुष्प चढ़ाएं तथा बटुक भैरव यंत्र अपने समक्ष रखें। जिस प्रकार हर देवता का एक मंत्र होता है, उसी प्रकार हर सामग्री अर्पित करने का भी एक मंत्र होता है। स्वामी जी द्वारा जाने सामग्री अर्पित करने का मंत्र। मित्रों, तेल का दीपक अर्पित करते समय कहें, ओम रिन अग्नि तत्वात्मक दीपम श्रीमद आपतु धारण बटुक भैरव प्रियार्थे निवेदयामि नमः। मित्रों, गूगल की धूप देते हुए कहें, ओम यंग वायु तत्वात्मक धूपम श्रीमद आपतु धारण बटुक भैरव प्रियार्थे ध्रामयामि नमः। मित्रों, अब पुष्प अर्पित करते समय कहें, ओम हं आकाश तत्वात्मक पुष्प श्रीमद आपदु धारण बटुक भैरव प्रियार्थे समर्पयामि नमः। इसी प्रकार से मित्रों, अब गंध अर्पित समय भी इस मंत्र को जाप करना है, ओम लन पृथ्वी तत्वात्मक गंध श्रीमद आपदु धारण बटुक भैरव प्रियार्थे समर्पयामि नमः। मित्रों, अब प्राण प्रतिष्ठा युक्त बटुक भैरव यंत्र अपने समक्ष रखें। ध्यान रहे यंत्र अखंडित एवं नकली ना हो। मित्रों, प्रसाद का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए सातों दिन भिन्न भिन्न प्रकार का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। भैरव जी की पूजा में दैनिक भोग साधना के अनुरूप बदलता रहता है। मुख्य रूप से भैरव को रविवार को दूध की खीर, सोमवार को मोदक, मंगलवार को घी गुड़ से बनी हुई लापसी, बुधवार को दही चिड़वड़ा,
गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को उड़द से बने हुए पकोड़े का भोग लगता है। त्रोप काले हकीक की माला से साधना प्रारंभ करें। स्वामी जी द्वारा बताया गया मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम बाटुकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु बाटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अंकित है। यह मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिवसीय इस साधना की समाप्ति के पश्चात नृत्य बटुक भैरव यंत्र अपने सामने स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन कर एक माह तक नित्य उपरोक्त बटुक भैरव मंत्र की एक माला जप करने से साधक की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मित्रों अब जानते हैं इसकी सावधानियां। भोग लगाया हुआ सारा मिष्ठान साधक जप के पश्चात स्वयं खाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर संभव नहीं है तो इसे किसी काले कुत्ते को खिला दें। मित्रों स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार के मुफ्त सलाह के लिए सिर्फ शनिवार को ही फोन या ईमेल करें। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। ओम नमो नारायण।